हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कल स्क्रू गेज स्टार्ट कर दिया था और स्क्रू गेज में थोड़ा सा ही बता पाया था, टाइम खत्म हो गया था। आज हम इस टॉपिक को कोशिश करते हैं पूरा कंप्लीट करने का। बहुत अच्छा टॉपिक है, मेडिकल में पहली बार क्वेश्चन 2018 में आया, वो क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। और वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज दोनों IIT JEE मेन में तो क्वेश्चन खूब आते हैं, आपको मिल ही जाएंगे। मैंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए आपको। अब देखिए, इसमें जो आपको बात समझनी है वो ये है कि मेडिकल में ये क्वेश्चन अभी नया नया ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मेडिकल में क्वेश्चन आते रहेंगे। इसमें अभी शुरुआत हुई है, जैसे 2018 में मैंने बताया कि स्क्रू गेज पे क्वेश्चन आया है। अभी आप देखना, इसकी थ्योरी थोड़ा सा मैं पढ़ा दूँ तो जो बच्चे मेडिकल के हैं इस क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन को आप ऐसे उंगलियों पर सॉल्व कर लोगे, उंगलियों पर सॉल्व कर लोगे आप इसको। तो अब देखिए, मैं कल आपको जो समझा रहा था स्क्रू गेज और इन्वेंटेड बाई विलियम गैस पॉइगने, ये नाम है, कोई वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है। एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया था वर्नियर कैलिपर्स पर, वो असाइनमेंट आप लगा लेना, फिर कहोगे तो अगर काफ़ी ज़्यादा डाउट होंगे तो लाइव डाउट सेशन कर लेंगे। एक दो डाउट अगर होंगे तो वो मैं ऐसे ही सॉल्व करके दे दूंगा आपको। इस पर भी मैं आज आपको स्क्रू गेज पे असाइनमेंट दूंगा उसी तरह का, और IIT मेडिकल के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो मैं इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ, बेसिक जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आइडिया दे दूँ एक बार फिर से। और ये बगल में आप ये देख रहे हैं, इसको स्फेरोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरोमीटर। ये मैं क्यों लाया हूँ पता है? क्योंकि स्फेरोमीटर की वर्किंग और स्क्रू गेज की वर्किंग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यहाँ जो सर्कुलर स्केल है, इधर आप देखिए दोनों की वर्किंग। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए स्फेरोमीटर पे, स्फेरोमीटर का काम क्या होता है पता है? रेडियस नापना, रेडियस मेजर करना, जैसे लेंस मिरर वगैरह की रेडियस मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है स्फेरोमीटर। और ये बिल्कुल वर्नियर सॉरी स्क्रू गेज के जैसा काम करता है, इसकी वर्किंग बिल्कुल वैसे ही है। आप इसमें भी देख रहे होंगे ये स्क्रू है, और इसमें आप देख रहे हैं क्लियरली ये चूड़ियां जो मैं कल बता रहा था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड्स, थ्रेड्स बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो ये थ्रेड्स हैं इसमें, ये जो आप देख रहे होंगे कील वगैरह जो नेल होता है स्क्रू, तो ये थ्रेड्स है ना, ऐसे ही इसमें है। यहाँ मैंने जो बनाए ये थ्रेड्स हैं, पाइप वगैरह में देखा होगा कसने के लिए। ये इसका सर्कुलर स्केल है, इसमें सर्कुलर स्केल ये रहा, आपको दिख रहा होगा, इसमें सर्कुलर स्केल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें का ये बगल में ये जो मेन स्केल देख रहे हैं वैसा मेन स्केल यहाँ पे। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो स्क्रू गेज समझ लो, स्फेरोमीटर समझ में आ जाएगा। स्फेरोमीटर वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी आ जाए तो आप स्फेरोमीटर सोच दिमाग से निकाल देना, आप स्क्रू गेज सोच के बिल्कुल सॉल्व कर डालना, आंसर आ जाएगा आपका। स्फेरोमीटर आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कई बार क्वेश्चन स्फेरोमीटर पे मिलते हैं, और अगर आ जाए तो स्क्रू गेज की थ्योरी पूरी लगा देना, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। स्फेरोमीटर की थ्योरी और स्क्रू गेज की थ्योरी में कोई अंतर नहीं, बस बनावट अलग है, इसलिए मैंने थोड़ा दिखा दिया है। इस स्क्रू को टाइट करके किसी लेंस वगैरह मिरर, जैसे यहाँ पे मिरर है तो ऐसे करके इसके नीचे रख देंगे, तो इसमें जो डेप्थ है वो मेजर करने के लिए यहाँ पे स्क्रू चल के आएगा। ये मिरर है, मिरर तो इसकी डेप्थ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं स्फेरोमीटर का, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मैं आपको स्क्रू गेज की थ्योरी बताता हूँ और स्फेरोमीटर की थ्योरी बिल्कुल डिट्टो वही है, कुछ भी नहीं। अगले असाइनमेंट में एक आपका सवाल आपको स्फेरोमीटर में मिले तो आप उसको सॉल्व कर डालना। एक दो क्वेश्चन मैं भी लाया हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसकी वर्किंग मैं बता देता हूँ, कल टाइम खत्म हो रहा था तो कैसे ये काम करता है फिर करेंगे क्वेश्चन, थ्योरी समझ लो, ठीक है। और आज और कल दो दिन इसकी थ्योरी चलेगी, ठीक है, दो दिन थ्योरी चलेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे मैंने कहा मेडिकल में पहली बार 2018 में सवाल आया इसमें। तो देखिए हाउ इट वर्क्स, मैंने आपको बताया था इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको पकड़ के घुमाते हैं, ऐसे टर्न देते हैं, ट्विस्ट करते हैं इसको, यहाँ से ट्विस्ट करते हैं, ऐसे मरोड़ देते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो थिम्बल वाला पार्ट है, ये हॉलो सिलेंडर होता है, थिम्बल वाला जो पार्ट है ये हॉलो सिलेंडर होता है, ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा
फॉलो किसके ऊपर, इसके ऊपर आगे बढ़ना शुरू कर देगा, और इधर ये हेड जो है मूवेबल हेड जो है ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ समझने की हैं जो बहुत जरूरी हैं जानना। पहले समझ लो, लिखना मत, जब लिखने का होगा तब मैं बताऊंगा कि अब लिखना है आपको, पहले समझने पर ध्यान दो। और अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स में कॉन्फिडेंस आया होगा, मैंने आईआईटी क्वेश्चन करवाया और आपने देखा होगा आपको बड़ी बढ़िया समझ में आया होगा, फोर्थ डाले थे क्वेश्चन हमने, और अब जो मैंने शीट दी है वो आपको आसान लग रही होगी अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, 15 से 20 सवाल है और आसान लग रहे होंगे वो, और आराम से लगा लेना, जल्दी नहीं है। अगर कल आपने 10 लगा लिए, 10 आज लगा लेने, खत्म कर लेना। एक दो बच्चे ने तो सॉल्व भी कर डाला, उसमें डाउट भी आ गए उनके, जैसे अभी अभिषेक का मैसेज आया कि मुझे 9th वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब आप ट्राई कर रहे हो तो आराम से, कोई मैं बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का एवरेज पर डे का भी रखे चलोगे ना, बढ़िया आप पढ़ाई कर रहे हो, और धीरे धीरे उसको 15 से 20 पे बढ़ा लो, 20 से 25 पे ले आना। एचसी वर्मा में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे स्क्रूगेज वर्नियर कैलिपर्स पे, आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं यही क्वेश्चन आईआईटी वाले मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनको यूनिवर्सल में मिल जाएंगे, यूनिवर्सल में मिल जाएंगे। ठीक है, और एलन वगैरह के पैकेज में भी नहीं मिलेंगे अगर आप वो देख रहे हैं तो। आईआईटी के क्वेश्चन यूनिवर्सल में मिल जाएंगे, मैंने आपको करा दिए, मोस्टली क्वेश्चन करा दिए, इक्का दुक्का ही कोई शायद बचा होगा, मुश्किल है वैसे अब तक जो आए हैं। ठीक है, एरर पे भी मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए थे, एरर के 4-5 जो बेस्ट क्वेश्चन है वो जो जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, वो वाला डिफरेंशिएशन की और लॉग की जरूरत पड़ेगी सॉरी, वो वाला पार्ट रह गया, तो मैथमेटिक्स अब इसके बाद शुरू करूंगा, तो वहां फिर आपको वो वाले एरर वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे आईआईटी के। मेडिकल के तो बहुत आसान होते हैं, मेडिकल जेई मेन के क्वेश्चन ज्यादा टफ होते नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत है, मोर देन एनफ है, इतना कर लोगे ना क्वेश्चन आपसे बचना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें कुछ बातें समझाता हूँ फिर लिखाऊंगा, पहले समझने पे ध्यान दो। तो ये तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा। अब आप एक बात समझो कि जब हम इसको घुमा रहे होते हैं तो ये वाला जो हॉलो मैंने लिखा है ये वाला पार्ट आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और ये जो मेन स्केल है जिसे जिसका नाम मैंने और क्या बताया था, लीनियर स्केल, मेन स्केल का नाम लीनियर स्केल था। ये मेन स्केल का रोल, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक बात को ध्यान से सुनना, लीनियर स्केल का जो रोल है वो वर्नियर स्केल के मेन स्केल के जैसा है, वर्नियर स्केल के मेन स्केल का जो रोल होता था वैसा लीनियर स्केल का रोल है। और ये जो इंडेक्स लाइन है इसके लिए हम एक और नाम यूज करते हैं, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, इसको मैं लिखूंगा RL। इस रेफरेंस लाइन का रोल पता है क्या होता है, मेन स्केल के जीरो जैसा होता है, किसके जैसा होता है, मेन स्केल के जीरो जैसा होता है। हेलो, अभी मैंने क्लास में हूँ, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैंने कहा था आपको कॉल करने के लिए तब कॉल नहीं किया, आप 12:15 के बाद कॉल करिए। रेफरेंस लाइन, ठीक है, रेफरेंस लाइन RL। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन कौन सी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली आपको दिख रही होगी, मैं दोबारा से इसको वो कर दूं, ये वाली है रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन का रोल मेन स्केल के जीरो जैसा होता है, अभी आगे समझ में आ जाएगा कैसे मैचिंग करते हैं ना वहां पे, जैसे वर्नियर का जीरो और मेन स्केल के जीरो को मैचिंग करते हैं, वैसे ही सर्कुलर स्केल का रोल पता है कैसा होता है, वर्नियर स्केल के जैसा होता है, वर्नियर स्केल के जैसा होता है सर्कुलर स्केल का रोल। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो, इसमें 100 खाने हैं, जैसे आप देख रहे हैं 60, 65, 70, 75, 80 ऐसे घूम के पीछे की साइड में, इसमें पीछे की साइड में 90, 100, फिर उसके बाद 5, 10, 15, 25 ऐसे करके वो आएंगे डिविजन्स और पूरे 60 पे पहुंचेंगे, पीछे की साइड छुप गए, तो जीरो भी कहीं पीछे छुपा होगा, वो जब घुमाओगे तो वो जीरो सामने आ जाएगा, सर्कुलर स्केल को घुमाओगे, यहां से घुमा रहे ना इसको ऐसे करके घुमा रहे, तो जब आप इसको घुमाओगे तो वो जीरो सामने आ जाएगा, वो जीरो जब RL के साथ मैच करेगा, मैचिंग करेंगे यहाँ पे, जैसे उधर करते थे वर्नियर कैलिपर्स में। थोड़ा सा समझ में आया, अभी धीरे धीरे पार्ट्स को समझो, बाकी सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपको क्या बताया अभी मैंने, सर्कुलर स्केल का रोल वर्नियर स्केल के जैसा, और मेन स्केल का, लीनियर स्केल का रोल मेन स्केल के जैसा, और रेफरेंस लाइन जो होती है वो वर्नियर जीरो के इक्विवेलेंट टू जीरो ऑफ VC, या बल्कि VC ना कहके मेन स्केल कहना चाहिए मुझे, मेन स्केल के जीरो के इक्विवेलेंट होता है, जीरो ऑफ मेन स्केल। यहां तक बात समझ में आ गई। इसमें फिर एक चीज और होती है, ये जो दो थ्रेड है ना, ये जो तिरछी लाइन है, ये वाली आपको दिख रही हो, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये रेड में मार्क करिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये
इस डिस्टेंस को जानते हो क्या कहते हैं? पिच। जहां जरूरत होगी मैं लिखा दूंगा, जहां जरूरत होगी मैं लिखा दूंगा पिच। ये जो दो थ्रेड्स होते हैं कंजुकेटिव थ्रेड्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच। इतनी बात समझ में आई? जब हम इसे एक चक्कर लगवाते हैं, यहां से एक चक्कर घुमाते हैं, एक रोटेशन, वन रोटेशन, वन टर्न या वन रोटेशन, जब इसको घुमाते हैं एक पूरा चक्कर, एक रोटेशन का मतलब 100 खाने हो गए। किसके? 100 डिवीजन। किसके पता है? सर्कुलर स्केल के। सर्कुलर स्केल पे ज्यादातर केस में या तो 100 खाने मिलेंगे या 50 खाने मिलेंगे। सर्कुलर स्केल पे ये जो 60 65 70 75 80 देख रहे हो, ये जो 60 65 70 70 ऐसे 100 तक होते हैं। मार्केट से जब खरीद के लाओगे तो दो तरह के मिलेंगे, या तो 50 डिवीजन वाला होगा, सुन लो लिखना नहीं है, 50 डिवीजन वाला या 100 डिवीजन वाला ही मिलेगा मार्केट में। 100 डिवीजन वाला थोड़ा बेहतर रीडिंग देगा। बेहतर रीडिंग का मतलब लीस्ट काउंट कम हो सकता है, 50 डिवीजन के कंपेरिजन में कम हो सकता है, होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 100 खाने या 50 खाने होते हैं सर्कुलर स्केल पे। तो जब हम इसे एक चक्कर लगवा रहे हैं तो इसका मतलब 100 खाने रोटेट कर गया, कौन? सर्कुलर स्केल। और इस एक रोटेशन में एक पिच आगे बढ़ जाता है, एक पिच। एक पिच का मतलब है कि ये वाला जो है यहाँ पे, आपको किसी को भी दिक्कत हो मुझे बता देना, हैंड रेज कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये अब यहाँ आ जाएगा, ये पिच के बराबर आगे बढ़ जाएगा एक चक्कर में। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, एक चक्कर में इतना आगे बढ़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड पिच। और एक इम्पोर्टेंट और खास बात मैं बताते चलूंगा यहाँ पे, जो काम की है आगे काम आएगी, और वो ये है कि इसका जो सबसे छोटा खाना है, किसका? मेन स्केल का जो सबसे छोटा खाना है, मेन स्केल का, ध्यान से सुनना, ये वाला खाना शेड कर रहा हूं, ये जो खाना होता है ये पिच के बराबर होता है, यानी वन मेन स्केल डिवीजन या वन लीनियर स्केल डिवीजन, लीनियर स्केल डिवीजन, ये किसके बराबर होता है? पिच के बराबर होता है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा, जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर केस में एक एमएसडी या एक एलएसडी सबसे छोटा खाना एक पिच के बराबर होता है, इज इक्वल टू पिच, यूजुअली। हमेशा लिखना मत, मैं लिखा दूंगा सब, मैं बोल रहा हूँ अभी, समझने पे ध्यान दो। एक एमएसडी या एक एलएसडी का साइज यूजुअली एक पिच के बराबर होता है। लेकिन कोई पूछे पिच क्या है, तो आप कहेंगे कि जब हम एक चक्कर स्क्रू गेज में लगवाते हैं एक रोटेशन, तो जो उसका हेड है, मूवेबल हेड, जितना आगे बढ़ जाता है, ये लाइन मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से यहाँ हाईलाइट कर दूं, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ आ जाएगी, लाइन नहीं एक्चुअली, वो सिलेंडर टाइप का है, ये आगे बढ़ जाएगा और फिर एक चक्कर में और आगे बढ़ जाएगा। यानी एक चक्कर में चली गई जो डिस्टेंस होती है मूवेबल हेड के द्वारा, वो डिस्टेंस कहलाती है पिच। वो क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। लिखना मत, मैं लिखाऊंगा, पहले समझने पर ध्यान दो, बार बार बोल रहा हूँ मैं। और ये जो पिच होती है, इसका साइज ज्यादातर केस में एमएसडी या एलएसडी के बराबर होता है। एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन, और एलएसडी का मतलब लीनियर स्केल डिवीजन। लीनियर स्केल और मेन स्केल एक ही बात है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात अगर समझ में आ गई हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये आप आगे कभी देखना या बनाना चाहो तो बना लेना, कुछ पार्ट इसमें जो मैंने दिखाए हैं। और उसके बाद अब मैं लिखाना शुरू करूंगा, आप इसका केवल स्क्रीनशॉट लेना है आपको। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत आए, आप बेझिझक होके अपनी साइड में, मैंने बताया कि उसी में नीचे एक बटन है, होगा मोर वाला, मोर दिख रहा होगा पार्टिसिपेंट के बगल में आपकी स्क्रीन पर, उस पर टैप करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा रेज हैंड वाला, उस पर टैप करेंगे तो मुझे यहाँ पे हैंड विजिबल होगा, तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करूंगा, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होता है तो। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसमें से कुछ चीजों को हटा रहा हूँ, थोड़ा फिगर साफ सुथरा बने, और अब कुछ चीजों को मैं लिखाऊंगा। ये तो मैं हटा देता हूँ, बाकी रोटेशन वोटेशन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये सब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप उसमें चाहो तो देख लेना, ये सब लिखा दूंगा मैं, आप परेशान ना होना। ठीक है, इतना काफी है। तो आप लिखेंगे यहां पर, एक तो ये लिखो,
सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज इक्विवेलेंट टू वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब ये सब सिंबल आप समझ रहे हो, वर्नियर स्केल वीएस मतलब वर्नियर स्केल और बीसी, एक बात। और यहां पर लीनियर स्केल या एलएस ऑफ स्क्रू गेज इज इक्विवेलेंट टू मेन स्केल ऑफ बीसी। एक बात तो ये समझनी, इक्विवेलेंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आप देखना जो फॉर्मूले पीछे मैंने लिखा है ना, वही फॉर्मूले यहां यूज होने वाले हैं। बस पिच का तरीका निकालने का, इस लीस्ट काउंट निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी वही फॉर्मूले बिल्कुल जो पीछे पड़ा है ना वही फॉर्मूले काम करेंगे, वही फॉर्मूले मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको। और इनका जिसका किसी का स्क्रू गेज अगर वर्नियर कैलिपर छूट गया कोई दिक्कत नहीं, स्क्रू गेज बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि वर्नियर कैलिपर से इसका लिंक है, इक्विवेलेंट जरूर बोल रहा हूं, लेकिन स्क्रू गेज की थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल जीरो से मैं थ्योरी बताऊंगा आपको, ठीक है। और रेफरेंस लाइन मेन स्केल के जीरो के जैसा है, आर एल इज इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं कह रहा हूं, इक्विवेलेंट टू जीरो ऑफ एम एस। और जीरो ऑफ सी एस, सी एस का मतलब सर्कुलर स्केल, इज इक्विवेलेंट टू जीरो ऑफ बी एस। ये कुछ बातें पहले जानने की हैं, ठीक। अब आते हैं पिच क्या है, पिच। और पिच से भी पहले एक चीज और जरूरी है, usually there are 50 division or 100 divisions on circular scale, circular scale को CS बोलते हैं, main scale या linear scale इसको मैं LS कह देता हूँ, linear scale, और ये RL सब लिखा हुआ है, ये आप नोट करते जाना। अब यहां से मैंने कहा ना, यहां से आपको नोट करना है, यहां से आगे आपको नोट करना है, ठीक। मतलब ये जो लिखा है मैंने ये सब नोट करना है, और ये नोट करेंगे तो आगे चीजें समझ में आएंगी, कभी रिवाइज करोगे तो। आराम आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। यूजुअली देयर आर 50 डिवीजन और 100 डिवीजन ऑन सीएस। मार्केट जब जाओगे तो इस तरह के दो तरह के सर स्क्रू गेज आपको मिलेंगे, और मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं पिच क्या चीज है, पिच। तो पिच क्या चीज है, आप लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाई मूवेबल हेड इन वन कंप्लीट रोटेशन। अब रोटेट किसको करोगे, बताया था ना अभी, रोटेट करोगे आप इसको, यहाँ इसको रोटेट करोगे, एक चक्कर लगवाएंगे इसको पूरा, ये जो राउंड राउंड वाला थिम्बल लिखा हुआ है ना इस पे, ये जो कटिंग सी हो रही है ये पकड़ने के लिए, आपका हैंड वगैरह स्लिप ना करे, ये जो आप कटिंग सी देख रहे हैं यहाँ पे, इसको पकड़ के घुमाते रहो, टर्न करते रहो, ये घूमता रहेगा, ये जो 80 है वो अंदर की तरफ चला जाएगा नीचे, 75 नीचे चला जाएगा, 70 और नीचे से 60 के बाद 50, 45 ऐसे करके 40 वो आगे आने लगेंगे सामने, जब चक्कर लगवा रहे होगे तो। आप मेरी बात शायद समझ में आ रही हो आपको, ठीक है। ये होता है पिच। अब पिच की कोई डेफिनेशन पूछे तो पिच की डेफिनेशन यही है, लेकिन कभी कभी पिच की वैल्यू, और मैंने कहा मेन स्केल डिवीजन यानी लीनियर स्केल डिवीजन की वैल्यू बराबर हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन पिच की डेफिनेशन यही है कि एक चक्कर में जो चलता है हेड वो डिस्टेंस पिच कहलाता है, और दो चूड़ियों के बीच में थ्रेड के बीच की डिस्टेंस होती है, एंड इट इज द डिस्टेंस यानी कि एक चक्कर में एक चूड़ी आगे खिसक जाएगा, ये चूड़ी मतलब थ्रेड, एंड ऑल्सो ये जितना डिटेल में मैं बता रहा हूं ना, किसी किताब में एलन वेलन पैकेज कोई भी कोचिंग का उठा लेना, मिलेगा नहीं आपको किसी भी किताब में, आपको इतना डिटेल में थ्योरी नहीं मिलनी। ये मान लो कि मैं इसीलिए बच्चों से कहता हूँ कि थ्योरी एक बार पढ़ लो, और थ्योरी के लिए दुनिया की कोई किताब टच करना मत। हम कम से कम दसियों किताबें पढ़ी, हमने दसियों तरह के सवाल लगाए, तब जाके ये थ्योरी बन के तैयार हुई आपके सामने। एक किसी किताब को पढ़ के नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू
डिस्टेंस बिटवीन, टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स ऑल्सो इक्वल टू टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स। थ्रेड मैंने आपको बताया, यही जो दो लाइन काली काली आप देख रहे हैं ऊपर मूवेबल हेड पर, ये लाइन के बीच में, ये अभी बताया ना मैंने रेड में मार्क करी है, ये वाली, ये थ्रेड है। इधर भी मैंने बताया ना, इधर इधर ये आप जो थ्रेड देख रहे हैं ये इस फेरोमीटर में, ये जो थ्रेड है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम पिच कहते हैं। और एक चक्कर, इसका एक चक्कर अगर आप लगवाते हो, इसका एक चक्कर यहाँ पे, यहाँ इसको टर्न कर रहे हो, एक चक्कर लगा रहे हो ऐसे करके घुमा रहे हो, तो ये स्क्रू मूव करेगा एक चक्कर में, तो ये नीचे खिसकाएगा, इतना नीचे खिसकाएगा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये यहाँ थी टिप, अब ये टिप यहाँ आ गई, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वॉट, पिच। मैंने कहा ना इस फेरोमीटर की थ्योरी और स्क्रू गेज की थ्योरी में कोई खास अंतर नहीं है। वैसे तो स्पीडोमीटर पे क्वेश्चन आते नहीं, पर आ जाए तो आप स्क्रू गेज की थ्योरी लगा के सॉल्व कर डालना, आंसर आ जाएगा। इस फेरोमीटर आपको बता ही दिया मैंने क्या है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट लाइन से मैं लिख रहा हूँ यूजुअली, ये नीचे कुछ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी आगे। यूजुअली पिच इज ऑल्सो इक्वल टू, यूजुअली ये ध्यान रखना कोई रूल नहीं है। आईआईटी में क्वेश्चन आया है वर्टिकल टाइप का, चार ऑप्शन थे, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन उसमें से थे, मैं कराऊंगा आगे दिखाऊंगा। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स दोनों को लेके बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो करेंगे हम लास्ट में, और जिसको पिच नहीं आती है वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि पिच और एमएसडी बराबर होते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। यूजुअली पिच तो वही होती है ऊपर वाली डेफिनेशन मैंने, लेकिन कहा पिच इज ऑल्सो इक्वल टू, यूजुअली पिच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 LSD, LSD मतलब लीनियर स्केल डिवीजन, या MSD मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल ऊपर दिखाया ना मैंने आपको, फिर से देख लो, ये जो मैंने फिगर दिखाया था ये वाला, और थोड़ा मैं बड़ा कर दूं इसको, ये आपको मेन स्केल दिखाई दे रहा है। इस मेन स्केल का ये जो खाना है ना, ये दो लाइन जो मैंने मार्क करी है, दिस इज MSD या LSD, लीनियर स्केल भी बोल देते हैं, मैंने LS लिखा है, लीनियर स्केल और मेन स्केल एक ही बात है। तो ये जो दो लाइन है सबसे पास पास वाली मेन स्केल पर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्केल डिवीजन। और यहाँ पर इसका साइज पिच के बराबर हो सकता है, और पिच यहाँ मैंने आपको समझा दी, ये थ्रेड्स, ठीक है। अब आते हैं लीस्ट काउंट पर, इसके बाद लीस्ट काउंट, अगर पिच समझ में आ गई ना तो लीस्ट काउंट बहुत आसानी से निकल आएगा। एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं यहाँ पर, जैसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे कह देगा, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पिच को निकालने के लिए एक जानकारी देगा क्वेश्चन में कि कोई डिस्टेंस एक्स दे रखा है, एन रोटेशन घुमाए हमने, एन चक्कर लगवाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एन चक्कर लगवाए, और उन एन चक्करों को लगाने पर हेड एक्स सेंटीमीटर आगे खिसक गया एन चक्कर में, तो एक चक्कर में कितना खिसकेगा, वही पिच होगी। तो आप समझो जरा इसको भी, आज की क्लास थ्योरी में ही जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में लाया हूँ एक से एक बढ़िया। देखिए ये मेडिकल वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये नीट 2018 का सवाल है, ये मैं अभी कराऊंगा। अभी मेडिकल वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर आईआईटी वाले क्वेश्चन ही कराए, अब तक मेडिकल में आया ही एक बार है, मेडिकल में नीट 2018 में क्वेश्चन आया, ये रहा। और आप इसको चुटकियों में कर लोगे, पहले थ्योरी पढ़ लो, मैं कराऊंगा अभी, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए एक एग्जांपल समझो, लीस्ट काउंट इसके बाद बताऊंगा। इफ इन एन रोटेशंस, इफ इन एन रोटेशंस हेड मूव्स डिस्टेंस एक्स, देन पिच क्या होगी। देखो x डिस्टेंस मूव किया
और एन चक्कर में, और एक चक्कर में एक पिच के बराबर चलता है, तो पिच क्या होता है, एक चक्कर में चला गया डिस्टेंस, एक्स चलता है एन चक्करों में, तो पिच आ जाएगा कितना, एक्स बाई एन। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में तो मैं दोबारा से समझाता हूँ। देखो मान लो आपने 10 चक्कर लगवाए, कितने लगवाए भैया, 10 चक्कर लगवाए, और इन 10 चक्करों में हेड 1 सेंटीमीटर चला गया, कितना चला गया, मान लो 1 सेंटीमीटर चला गया 10 चक्करों में, तो एक चक्कर में कितना जाएगा, 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर, या मैं कहूँ 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर एक चक्कर में चलाए, तो ये पिच हो गई, ये क्या हो गई, पिच। और मैं बता दूं ज्यादातर केस में मार्केट से जो खरीद के लाओगे, उसमें पिच का साइज या तो 1 मिलीमीटर का होता है या आधा मिलीमीटर का होता है। ज्यादातर केस में मार्केट से जब खरीद के लाओगे तो पिच का साइज 1 मिलीमीटर या आधा मिलीमीटर का होगा जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और क्वेश्चन में भी आप ज्यादातर देखोगे पिच दे रखी होगी क्वेश्चन में डायरेक्ट, और पिच का साइज आपसे पूछेगा नहीं, दे रखी होगी, तो पिच या तो आधा मिलीमीटर की होती है, 0.5 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर होती है। और एक बात बता दूं खास, जब पिच क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर होगी तो ज्यादातर देखना, जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर केस में वहां सर्कुलर स्केल पे 100 खाने मिलेंगे, 1 मिलीमीटर जब पिच होगी तो 100 खाने होंगे, मैं कह रहा हूँ यूजुअली, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ऐसा जरूरी है, जरूरी नहीं है। और जब पिच आधा मिलीमीटर होगी क्वेश्चन में, आधा मिलीमीटर, तो वहां फिर 50 खाने होंगे सर्कुलर स्केल पर, सर्कुलर पर। तो अब यहाँ पे अभी मैंने लीस्ट काउंट नहीं बताया आपको, ध्यान रखना मैंने लीस्ट काउंट नहीं बताया, मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या पिच कैसे निकालेंगे। पिच वैसे तो दे रखी होती है, नहीं देगा तो ऐसे जानकारी देगा, बोले 10 चक्कर में हेड 1 सेंटीमीटर गया, तो एक चक्कर में जो चलेगा वो पिच होगी, तो मैंने 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 किया तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया, और 0.1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर, तो पिच आ गई ये 1 मिलीमीटर। बात समझ में आई हो शायद आपको, ठीक है। अब आते हैं लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी थोड़ा नीचे जगह बना रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं लीस्ट काउंट पर, बहुत आसानी समझ में आ जाएगी लीस्ट काउंट क्या होती है, बस आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी क्योंकि अभी मैं आपको सामने करके नहीं दिखा सकता। लीस्ट काउंट क्या होती है सुनो मेरी बात को, जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि एक चक्कर में हेड 1 मिलीमीटर आगे गया, कितना, सुन लो पहले लिखना बाद में, एक चक्कर में एक रोटेशन में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखने पे ध्यान मत ध्यान देना, सुनने पे और समझने पे ध्यान दो, एक रोटेशन में ये 1 मिलीमीटर आगे गया। अच्छा एक रोटेशन जब करते हैं हम सर्कुलर स्केल पे 100 खाने घूम जाता है, एक रोटेशन का मतलब है 100 डिवीजन घूम गया, तो 100 डिवीजन घुमाने में 100 डिवीजन घुमाने में 1 मिलीमीटर आगे जा रहा है, कितना, 1 मिलीमीटर आगे जा रहा है, तो एक खाना घुमाने में कितना आगे जाएगा। आप कहोगे सर 1 मिलीमीटर बाई 100, 0.01 मिलीमीटर, यही होती है लीस्ट काउंट। अभी समझ में कम आया है तो एक बार और सुनो, देखो स्क्रू गेज पे रोटेशन किसका करते हैं, ये जो थिम्बल वाला पार्ट है ऊपर दिखाया था मैंने, ये जो थिम्बल वाला पार्ट है इसे पकड़ के घुमाते हैं, दोनों उंगलियों से अंगूठे से पकड़ के घुमाते हैं, टर्न करते हैं। ये जो खाने आप देख रहे हैं 80, 75, 70, 65 लिखे हुए हैं, जब आप घुमाओगे तो 80 पीछे की साइड में चला जाएगा, 75 पीछे चला जाएगा, 70 पीछे चला जाएगा, और नीचे से 60, 65 ऊपर की तरफ 55, 50, 45 सामने आने लगेंगे घुमाओगे तो। बात समझ में आ रही हो शायद, तो इसका एक चक्कर पूरा घुमाते हैं, ध्यान से सुनो, इसका एक चक्कर पूरा घुमाते हैं तो 1 सेंटीमीटर आगे गया, और एक चक्कर घुमाने का मतलब 100 खाने घुमा दिए इसके, पूरे पूरे 100 खाने घुमा दिए, तो 100 खाने घुमाने पर अगर 1 मिलीमीटर आगे जाता है, यानी पिच आगे जा रहा है, पिच एक चक्कर में कितना, पिच ही तो आगे जाता है, तो 100 खाने में अगर एक पिच आगे जा रहा है तो एक खाने में कितना जाएगा, पिच अपॉन 100। फिर से सुनो, एक चक्कर यानी कि 100 डिवीजन घुमाने में, एक चक्कर घुमाने में या 100 डिवीजन घुमाने में 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या एक पिच आगे जा रहा है, क्योंकि जो एक
चक्कर होता है उसमें जो आगे बढ़ता है उसी को तो पिच कहते हैं। तो एक चक्कर या 100 खाने घुमाने में, 100 डिवीजन घुमाने में अगर एक पिच आगे जा रहा है तो एक खाना घुमाने में कितना जाएगा? पिच अपॉन हंड्रेड, यही लीस्ट काउंट होती है। तो 1 मिलीमीटर अगर पिच है और 100 खाने हैं तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। यही फॉर्मूला है। अभी लिखना मत, यानी ये जो आ गया ये आपका लीस्ट काउंट आ गया। और आपने कहा सर ये तो आपने शुरू में ही बताया था। हाँ बताया था, क्योंकि मार्केट से जब आप खरीद के लाते हो तो स्केल में तो 1 मिलीमीटर का खाना होता है सबसे छोटा। वर्नियर कैलिपर्स में 0.1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट होता है, और मैंने बताया था स्क्रू गेज में 0.101 मिलीमीटर होता है। यही लिखा है मैंने यहाँ पे, आप देखो। पता है क्यों? क्योंकि ये जो 1 मिलीमीटर है ये एक्चुअली पिच होती है इसमें, जो मार्केट से लाते हो, और 100 खाने हैं तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो जानते हो, अगर आपको समझ में आ गया तो अब लीस्ट काउंट ये सब तो, ये तो मैंने साइड में बताया, ये तो काम का नहीं है। ये जो अब मैं लिखा रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है, जो मैं लिखा रहा हूँ, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट है ये कभी भी निकालना हो तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला है, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CS, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CS। सिंपल, समझ में आया? अब देखो एक एग्जांपल छोटा सा, अगर आपको समझ में आया तो। इसके बाद आपको जीरो एरर और मेन रीडिंग लेना बताना है। मेन रीडिंग का फॉर्मूला और जीरो एरर का फॉर्मूला पीछे जो बताया बिल्कुल वैसा ही है। तो एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल में मान लो लेट पिच है 1 मिलीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है, और डिवीजन जो है डिवीजन ऑन CS आपको दे रखे हैं 100, ठीक है। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 1/100 मिलीमीटर, यानी 0.01 मिलीमीटर। ये एक केस बना, इसको तो हटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए लिया था, अब उसी को मैंने प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ लिखा दिया, ठीक है। एक और चीज समझो, एक दूसरा जो केस है इसमें, मैंने कहा कि मार्केट से जब खरीद के लाते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि पिच, एक दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल, वहां पिच 0.5 मिलीमीटर होती है और जो डिवीजन होते हैं CS पर उस केस में, हालांकि कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है, वो 50 होते हैं। तो फिर लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.5 mm/50, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। ये यूजुअली ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आई है मेरी, तो छोटे छोटे दो एग्जांपल कराना चाहूंगा, आप नोट कर लिए होंगे, ये सब नोट करने के लिए था। अगर आप ये नोट कर लिए तो ये वाला नीट वाला सवाल नहीं, अभी नीट में तो जीरो एरर है, जीरो एरर में पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद। पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नोट कर लिया है तो ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये वाला आपको करने, दो सवाल हैं अलग अलग, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा कर देता हूँ, आप ऊपर वाला नोट कर लो, नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। इसके बाद हम जीरो एरर पे आएंगे, जीरो एरर के दो केस बनेंगे, वही पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे निकालते वो और समझना। मेन रीडिंग के लिए कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, मेन रीडिंग के लिए कुछ नहीं करना। तो आप देखिए, नोट कर लिया है तो मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। दो क्वेश्चन है ये, एक नहीं है। करिए पहला और दूसरा, मैं आई वॉन्ट राइट हियर राइट नाउ योर आंसर, ये क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। हमारे पास 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट के हिसाब से मैं एक क्वेश्चन को आपको, 2 मिनट भी दूंगा तो ज्यादा होगा, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे आंसर चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई करो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100। मैं देखिए बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लेके आता हूँ, एक एक चीज को क्लियर। अभी जीरो एरर पे आएंगे, उसके बाद नीट वाला सवाल करेंगे, फिर जेई मेन के क्वेश्चन करेंगे, फिर IIT एडवांस के करेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन अभी आपके सामने रखा है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। 1 मिनट मेरे हिसाब से आपको लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये सेशन हमारा खत्म होगा, उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन करना है आपको, ठीक है।
आधा मिनट हो चुका है, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक मिनट मैंने टाइम दिया था पहले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के लिए एक एक मिनट, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप फटाफट से, पहले क्वेश्चन का आंसर। आंसर आ गया, एक मिनट मैं बताता हूँ किसने आंसर किया। आलोक का आंसर आ गया, विशाल का आंसर आ गया, जागृति का आंसर आ गया, ध्रुव का आंसर आ गया, ठीक है, रवि का आंसर आ गया। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। नूर का आंसर आ गया, ध्रुव, जागृति, विशाल, आलोक, रवि, और कोई आंसर करेगा, आयुषी आंसर आ गया, ठीक है, प्रियांशी, वेरी गुड, प्रियांशी ने अभी दो दिन पहले ही ज्वाइन किया है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए और भी बच्चों के आंसर आने चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ। आर्यन, आर्यन चेक करो आंसर, आर्यन चेक करो, आई थिंक आंसर, जयवीर, वेरी गुड, जयवीर आंसर कर रहे हो अब, ठीक, वेरी गुड, पहले आंसर नहीं कर रहे थे, ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी लोग भेजते रहो क्योंकि टाइम मैंने एक मिनट दिया था, ज्यादा ही हो गया। क्या कह रहा है देखिए, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सी एस 100 है और नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू स्क्रू, ध्यान से पढ़ो, नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू स्क्रू इज 8 एंड द डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू, यानी हेड 4 मिलीमीटर है, तो पिच निकल आएगी कि नहीं। क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वन, तो पिच कैसे निकालना बताया, यहां पर 4 मिलीमीटर ये चलता है 8 चक्कर में, तो पिच का साइज आ गया आधा मिलीमीटर। और लीस्ट काउंट क्या बताया था भैया, लीस्ट काउंट बताया था पिच डिवाइडेड बाई क्या, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सी एस, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सी एस, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 100। आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया, और दूसरा वाला भी सॉल्व करिए, तब तक मैं इसका आंसर लिख रहा हूं और आप अपना आंसर चेक करेंगे, पिच कितना है 0.5 मिलीमीटर और डिवाइडेड बाई 100, 0.005 मिलीमीटर, चेक कर लो भाई, बाकी लोग सबने आंसर सही किया है, एक दो स्टूडेंट को छोड़ के, बाकी अपना आंसर चेक करो, मोस्टली मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व इट करेक्टली, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, ठीक है। अब आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन टू का वेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन टू का आंसर करिए, अभी भी हमारे पास एक मिनट बचा है, टाइम खत्म होगा, दोबारा से लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आंसर चाहता हूँ आपका। विशाल का आंसर आ गया, वेरी गुड, विशाल ने आंसर सही किया है, सही किया बिल्कुल, प्रियांशी का आंसर सही है, आलोक क्या बात है, टाइम खत्म हो रहा है लेकिन आंसर आ रहे हैं आपके बराबर, ठीक है, रवि का आंसर ठीक है, आलोक का ठीक है, विशाल, प्रियांशी, अभी तक दो लोगों का, तीन चार लोगों का आंसर आया, चार लोगों सेकंड क्वेश्चन का, टाइम खत्म होगा फिर से ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपका रेस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है, आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। मैंने कहा स्फेरोमीटर की थ्योरी, नूर का आंसर, नूर चेक करो, थोड़ा सा गलत है।